दोस्तों हम जा रहे हैं शिव मंदिर। अभी चढ़ाई शुरू की है। इसी बीच रास्ते में मेरे को दिखा है जुगनू, शायद ये शायद जुगनू ही है। तो अभी मैं अकेले जा रहा हूँ शिव मंदिर। सुबह सुबह जल्दी उठा तो आपको एक मैसेज देने के लिए। बस कोई जानवर ना आ जाए यहाँ पे, वो तो ठीक है सब। पता नहीं यहाँ पे कोई जाता भी है नहीं। मैं शिव मंदिर पहुँच गया हूँ। फिर यहाँ से जयपुर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखा। यहाँ मॉर्निंग में अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। घना जंगल जयपुर में एक्सप्लोर करने के लिए इतनी जगह है कि अगर आप रोज एक दिन भी एक्सप्लोर करते रहें नई नई जगह को, तो भी आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे अकेला जयपुर जयपुर देखने में। ये है शिव मंदिर और यहाँ ऊंचाई से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। आपके किसी फ्रेंड की या फिर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है या फिर लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, आपको 4 लोगों के बीच में बोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन मेरे साथ रही हुई है। मैंने मेरी आवाज़ 2022 में 2021 2021-22 में बीच में अपनी आवाज़ को चेंज किया था लॉकडाउन के अंदर घर पे मृत्युंजय मंत्र का जाप करके। वही मंत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी आवाज़ बहुत पतली है, बहुत आपने हर जगह उस पर अगर आपने स्पीच थेरेपी सब कुछ ले रखा है, तो एक बार इस मंत्र को भी सही से उच्चारण करें। आपको इसका रिजल्ट 1 वीक में मिलेगा, चाहे अपने अपनी लाइफ के कितने भी कितना भी टाइम वेस्ट कर दियो। मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप कैसे करना है? आप अपनी आवाज़ जब मृत्युंजय मंत्र का आप जाप करोगे तो आपका गला एक बार खराब होगा, उसके बाद आपकी आवाज़ एक नई आवाज़ बननी शुरू होगी। अब मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप कैसे करना है, तो आपको पहले पूरे अपने गले को खोलना है, उसके बाद मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम का उच्चारण जितना लंबा हो सके उतना ज्यादा करना है।
कदनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 2022-2023 के बीच के दौरान मैंने अपनी आवाज़ को चेंज किया था। ये सब कैसे हुआ था, ये सब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ के आने की वजह से हुआ था। उन्होंने ही मुझे इस स्पीच थेरेपी के इस मंत्र के बारे में बताया था। फिर मैंने इस मंत्र का जाप किया था और जाप करने के कुछ दिनों में ही मुझे इसका रिजल्ट मिल गया था, जिसकी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी इसका मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मैं अपनी आवाज़ को लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे अभी किसी से बात करने में या कहीं पे भी बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होती। पहले मुझे चार लोगों के बीच में बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मैं ज़्यादा अगर कोई मुझसे 15-20 फुट दूर खड़ा है तो भी मुझे उसको आवाज़ मारने में भी दिक्कत होती थी। मेरा गला बहुत बैठा हुआ था, और जैसे मैंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिला था। तो आप भी प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से किसी को अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे ज़रूर शेयर करना। बाकी मेरा शिव मंदिर आना सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जो मैंने आपको दिखा दिया है। इससे आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपना नंबर डाल दूँगा। आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना, तो मैं आगे भी बहुत वीडियो बनाने की अभी मैंने सोच रखा है कि मैं अपना भी नया व्लॉगिंग चैनल शुरू करूंगा, जिसमें आपको जयपुर की बहुत खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो शायद मेरे पास माइक भी नहीं है तो आपको पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन अभी मुझे व्लॉग बनाने हैं। व्लॉग मुझे वैसे ही बनाने का शौक़ है। अभी मेरे काफ़ी टाइम से मैं ये सब करने की सोच रहा था, लेकिन पहले मैंने आज इसी से शुरुआत की मेरी आवाज़ को लेके। शायद किसी को इससे नया जीवन दान मिल जाए। ये सच में किसी के लिए नया जीवन दान हो सकता है। अगर किसी को ये इस मंत्र का जाप कर रहा है, उसको सही से जाप करना नहीं आ रहा है, तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। और हाँ, जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो मॉर्निंग इवनिंग कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में बेस्ट है। लेकिन इसका जाप आप अकेले एकांत में ही करें, और गले को जितना खोल के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आप मेरे किसी फ्रेंड से या मेरे किसी भी फ्रेंड सर्किल में पूछोगे तो पहले जब मेरी आवाज़ चेंज हुई थी तो किसी ने भी मैंने जब आवाज़ चेंज होने के बाद जब किसी को कॉल किया था, किसी ने भी मेरी आवाज़ को नहीं पहचाना था। जब मेरी आवाज़ चेंज भी हुई थी तब मेरी आवाज़ भी डबल हो गई थी। एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी जो मेरी आवाज़ चेंज हुई है वो लोगों के सामने कैसे रखूँ, तो उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है वो, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करें। मैं इसके ऊपर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा, मेरे साथ पूरा क्या क्या हुआ था, मेरी आवाज़ कैसे चेंज हुई। लेकिन मेरा जो सबसे आवाज़ चेंज होने का वो रीज़न था वो यही था कि मैंने मृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, और इस मृत्युंजय मंत्र के जाप से ही मेरी आवाज़ बहुत जल्दी चेंज हो गई थी। इन मुझे कैसे पता चला इस मंत्र का क्या हुआ,
किसने मुझे बताया इसके मंत्र के बारे में, मुझे मेरी वाइफ ने बताया था। और इस मंत्र का बताने के बाद और मेरी आवाज़ चेंज होने के बाद मैंने उससे शादी कर ली थी। मैं वैसे एक VFX आर्टिस्ट हूँ जो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। ये शायद ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।